व्हाट्स अप, सो आज है डे 3। अभी मैं आ चुका हूँ मंडी। सुबह हमने जल्दी शुरू किया था लेकिन फिर भी हम थोड़े से लेट हो गए हैं और मुझे लगता नहीं है कि मैं पराशर लेक में ट्रैक करके जा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पहुँचने में भी 2 घंटे और लगेंगे और 1 बज जाएंगे। तो 1 बजे ट्रैक शुरू करेंगे तो हम शाम को जो पहुँचेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो शायद मैं ड्राइव करके ऊपर जाऊँ। एंड मैंने देखा अभी तक क्योंकि ऊपर तक की ड्राइव की अच्छी वीडियो नहीं है, तो आई विल ट्राई टू शूट। सो चलते हैं पराशर लेक की ओर, देखते हुए कि शाम से पहले हम टाइम से यहाँ पर पहुँच पाते नहीं पाते हैं, शूट करते हैं फिर। चलिए फिर, बाय। हेलो, सो वी आर एट बागी एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट अवर ट्रैक। लेट है हम बट करनी तो है स्टार्ट। सो 5 घंटे लगेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक पहुँचने चाहिए हम। हमें लगा था कि हम लेट पहुँचेंगे था लेकिन गूगल मैप से कुछ गलत रास्ता शो करा था, हमने गलती से शॉर्टकट लिया और हम जल्दी पहुँच गए। सो होप टाइम पे पहुँच जाए। ये जो रूट जा रही है ये ट्रेवल रूट है, इस रूट से आप सीधा पराशर लेक तक पहुँच सकते हैं आसानी से। बट हमने सोचा था कि हम ट्रैकिंग करके जाएंगे और आज मंडे है तो आज लग रहा है कोई क्राउड भी नहीं है पीछे से और हम काफ़ी लेट भी है तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा। तो अभी हम लोगों से पूछ रहे हैं कि एक शॉर्टकट है जो शायद 7 किलोमीटर का जो रास्ता है ट्रैकिंग का ओरिजिनल, वहाँ से वो कहाँ से है, क्योंकि मोटरेबल रोड तो पता है उस पर हम चलते रहेंगे तो 12 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे, बट जो ट्रैकिंग है वो है 7 किलोमीटर की, जो शायद इससे हार्ड होगी बट थोड़ी सी शॉर्ट है, बट जाने का फ़ायदा तो उससे ही है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं लोग पूछ के कि हम कहाँ से स्टार्ट करनी है। वो अभी हो चुका हमें थोड़ा 2-3 किलोमीटर की वॉक, शायद 2-3 सो देखते हैं कहाँ मिलता है रास्ता। थोड़ी सी टाइटनेस है, ऊपर से गिम्बल को पकड़ के ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल है, तो मैं थोड़ी देर ही स्टार्टिंग तक ही गिम्बल ऑन रखूँगा, बाद में कल की तरह सरस्कर लेक वाली ट्रैक की तरह इसे वो रख देंगे अंदर एंड सीधा शूटिंग करेंगे। सो बाकी वैली पीछे की आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैली है यार। एंड भाई फ़ोन में बिजी है। हम वापस गाड़ी के पास आ गए हैं क्योंकि हम गलत रास्ते पे चले गए थे, हम बाय रोड जा रहे थे ऊपर, इससे जाने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि हम गाड़ी लगा के जो रोड वाला रास्ता है उस पर वो हमने पकड़ लिया था और अभी 1:30 बज चुके हैं, तो इस टाइम ट्रैक करने का स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है शुरू से, क्योंकि 5 घंटे शायद हमें ऊपर पहुँचने लगेंगे और हम फिर क्या पता उससे ज़्यादा भी लग जाए। और हम 4 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं, तो अगर आपको ट्रैक करनी है तो आपका शायद रास्ता होगा ये सामने की तरफ जो जा रहे थे, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट है। आप इस साइड से आएंगे कार, यहाँ से आते हुए इधर जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है, अगर ब्रिज तब तक नहीं बनता तो यहीं पर ही गाड़ी वो कर सकते खड़े, वरना ट्रैकिंग वहाँ से स्टार्ट है। बट मेमोरीज पराशर लेक में जाएंगे बट अब गाड़ी से। सो चलिए, ट्राई करने का तो हमें मार्क्स मिल नहीं चाहिए, ट्राई तो किया अपन, 4 किलोमीटर चला है यार, 4 किलोमीटर वो भी फटाफट। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम बस ढीले डाले गाड़ी लेके आए और गाड़ी से पहुंचे, बट ठीक है, एज दिस चैनल से ड्राइव एंड एक्सप्लोर, तो पराशर तक ड्राइव ही थी अपनी और वैसे भी जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तो गाड़ी लेके जाएंगे, जैसे कल सरस्कर तक गाड़ी नहीं जाती थी
पूरे दिन की ड्राइव, थोड़ी सी ट्रैक थे दोबारा यहाँ पर। अभी शायद हालत थोड़ी सी वीक होगी, बट ठीक है, आज लास्ट डे है हिमाचल ही बोल लेते हैं कि कल दिल्ली के लिए वापस आना है। तो प्राशर लेक रास्ते के लिए वो रखा था, ट्रैकिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा था कि ट्रैकिंग मिस हो गई, क्योंकि अगर हम शुरू करते तो शायद हम अंधेरे से पहले नहीं पहुंच पाते और शायद कुछ भी शूट नहीं होता और मैं भी जंगल में खो भी जाता, क्योंकि हमें कोई नहीं दिख रहा यहाँ पर जो ट्रैक करके आ रहा हूँ। सो ठीक है, अब उस पहाड़ पे जाना है, ऊपर पहुँचते हैं सुबह। अभी अक्टूबर ऑलमोस्ट क्या, अक्टूबर ही स्टार्ट हो गया है, तभी ये वैली थोड़ी सी अब ऑरेंजिस सी टर्न हो रही है। अदरवाइज़ अगर आप एक महीने पहले आएंगे या फिर अगर आप रेन सीजन में आएंगे तो प्रॉपरली ग्रीन मिलेगी आपको ये। तो अभी अक्टूबर है, से थोड़ा सा ऑरेंजिश है, और अभी एक महीने बाद और आएंगे तो शायद ये प्रॉपर ब्राउन हो जाएगा, तब शायद यहाँ की साइट इतनी अच्छी ना लगे। दो विंटर में स्नोफॉल होती है और पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है, तो उस टाइम एक बार ट्राई है आना, बट आई डोंट नो कि वहाँ पर नीचे से ऊपर तक की रोड कैसी होती है, क्योंकि हमने देखा है रोड सही भी है, थोड़ी सी पैची भी है, एट द सेम टाइम कहीं पर स्मूथ सरफेस भी है, कहीं पर खड्डे भी है, तो शायद स्नोफॉल में शायद बंद भी हो जाती हो, तो वो एक बार चेक करके आना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर कुछ टाइम है मेरे हिसाब से, तो शायद वो दिसंबर जनवरी जब भी स्नोफॉल होती है वही टाइम है, अदरवाइज़ तो आपको अब आएंगे तो आपको सिर्फ ब्राउन ही दिखेगा पूरी वैली। तो ये जो सामने आपको पैच से नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पर फ्लोटिंग आइलैंड बोलते हैं। ये धीरे धीरे फ्लोट करता है, बट बहुत ही रेयर आपको ये नज़र आएगा, क्योंकि अगर आप लकी है तो ये आपको पता चलेगा कि ये फ्लोट कर रहा है, ये आपको दिखेगा। एंड पूरा पराशर लेक एक ऋषि पराशर है, उनके ऊपर ही बेस्ड है, और सामने उनका मंदिर है। इस मंदिर में आपको स्टे भी मिल सकता है जो फ्री है, एंड आई थिंक 15 रुपये पर पर्सन ये ब्लैंकेट के चार्ज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस लेक की डेप्थ कितनी है ये शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक मेजर नहीं हुई है, या आई थिंक इट्स टू डीप, एग्जैक्ट रीज़न आई ऑल्सो डोंट नो, बट इसकी इतना आई नो कि इसकी डेप्थ अभी तक मेजर नहीं हुई है। पाँच घंटे ड्राइव करने के बाद एंड थोड़ी सी ट्रैकिंग करने के बाद अगर आपको शाम को ये व्यू मिल रहा है तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। यू कैन सी सो एम्प्टी, नहीं कोई टूरिस्ट, नहीं कोई शोर, क्लियर वेदर एंड पराशर लेक फ्रॉम द टॉप। ये व्यू आपने बहुत बार इंस्टाग्राम में देखा होगा। यहाँ पर आने के लिए भी अच्छा खासा एक ट्रैक है, बट ये वर्दी है। एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, दिस इज जस्ट ऑसम। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है फिलहाल यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है। और अगर आप लेक के ठीक बैक साइड की तरफ जाएंगे तो आपको एक अलग ही अनएक्सपेक्टेड सा व्यू दिखेगा, जो आपने शायद इंस्टाग्राम पे नहीं देखा होगा। एक ओपन डीप वैली, जिसको भी ये लगता है ना कि व्लॉगिंग आसान है वो ये भूल जाए, क्योंकि अभी 7:30 बज चुके हैं या 7:45, और हम अपनी जैकेट्स ऊपर लाना भूल गए थे, लेकिन जस्ट फॉर अ टाइम लैप्स हम यहाँ पर हमने वेट किया अभी तक, और हमारी कुल्फी जम चुकी है। अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ के लोकल्स भी यहाँ पर विदाउट जैकेट्स है, विद जैकेट्स है, हम ही हैं जो विदाउट जैकेट ऊपर आ गए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप थी,
और अब हमारी बैंड बच रही है, बट अब हमें बहुत दूर तक वॉक करके जाना है या फिर उतर के जाना है। सो अंधेरे में उतरना है हमें। एंड एज यू नो कि काफ़ी स्टीप है ये फेंसिंग को पकड़ पकड़ के ध्यान से उतरना है। चाहिए क्या? नहीं ये नहीं, अभी ये वो भी तो गलत से दिख रही है। बगल में एक और होगा ना हमारे। हाँ यही है, यही है। हाय फाइनली हम पहुंच गए। हमें टेंट खोलो भाई। We are done for the day. Good night. So, रात ही 8:30 बज रहे हैं अभी। वो बच्चे बैठे थे, वो लोग गए। सो अकेला बैठा मैं इस फायर के सामने। फिलहाल मेरा दोस्त सो गया अभी। दिस इज समथिंग विच आई हैव नेवर डन, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। रात को अकेले आग चला के एक अलग ही जगह में पहाड़ के ऊपर आप अकेले बैठे हो। ठीक है, हर तरह के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। ग्रुप होता तो अलग मज़ा आता, चिल मारने के लोग होते तो अलग मज़ा आता, बट ये बॉन फायर सोलो ट्रिप है तो अकेले थे। बट इट्स रियली गुड। सो सुबह उठेंगे अर्ली मॉर्निंग एंड कोशिश करेंगे कि सनराइज शूट कर पाए। सो तक के लिए गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, शायद 5:15 हो रहे हैं, और मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गया हूँ। अभी मेरे दोस्त और अभी भी पूरी जगह खाली है। मैं कोशिश करूँ थोड़ी सी ऊपर जाके मैं सनराइज़ होते हुए टाइम लैप्स बना पाऊँ। सो इसलिए मैं जल्दी उठ गया हूँ, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी स्लीपिंग बैग में अच्छी। तो अभी अंधेरे पर चलना है थोड़ा सा टॉर्च लगा के। सो ठंड बहुत है, चलते आगे तक एंड लोकेशन ढूंढते कहाँ पर अपना टाइम लैप्स बनाना है। सो लेट्स सी। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं हो कि मेरा टाइम लैप्स ख़राब हो गया। एक बार मैंने पहले लगाया था तो थोड़ी देर बाद मेरा मेमोरी कार्ड भर गया, तो मुझमें कुछ दूसरा मेमोरी कार्ड मैंने इंसर्ट किया। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक सेटिंग गलत है, जिसकी वजह से चीज़ें सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही है। आधे नींद में शुरू किया था तो वो इशू रह गया, मेरा ध्यान नहीं गया। एंड देन अभी जब फाइनली रिकॉर्ड हो रहा था तो कम से कम 7-8 कुत्ते थे, नहीं कहाँ से भागते हुए और सब मेरे ऊपर चढ़ गए, तो उन्होंने गिम्बल को भी गिरा दिया, कैमरा भी गिर गया। एंड आई वाज अफ्रेड कि चलो ठीक है, उन्होंने मुझे काटा नहीं है, लेकिन वो सब मेरे ऊपर ही चढ़ गए थे। लाइक फ्रेंडली वे भी था शायद उनका, लेकिन वही होता है कि 7-8 कुत्ते एक साथ आपके पास जंगली, और एकदम वो एकदम से ऐसे भाग के आए कि लाइक आई जस्ट फेल्ट लाइक मैं बड़ी आराम से बैठा हुआ था एंड वो सारे भाग के आए, तो एकदम से लगा कि ऐसे अटैक से ही हो गया। उन्होंने कैमरा गिरा दिया, सब मेरे ऊपर चढ़ गए। एंड अब वहीं मैं थोड़ा सा पैट कर रहा, उनको शांत करने की कोशिश कर रही, लेकिन वहीं थोड़ा सा वो लगता है डर जब कुत्ते भौंकना शुरू वो देते कर साथ में एंड गुराना शुरू वो देते कर, तो वो भी करने लग गए थे, तो बड़ी मुश्किल हुई उनको से पीछे छुड़ाने में। अच्छा हो गए, सारा सामान वन गिर गया था मेरा।
अब वापस जा रहा हूँ। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि इतनी मॉर्निंग वॉक के मैं 1.5 घंटे से ऊपर लगा हुआ था, इतनी वो चढ़ के आया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो उसको लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, देन आई लीव फॉर दिल्ली। फाइनली हमारी 3 दिन या 3.5 दिन बड़ी लॉन्ग ट्रिप का एंड है। आज हम जा रहे हैं वापस दिल्ली, रात को शायद 12 तो बज ही जाएंगे एटलीस्ट पहुँचते। सुबह जल्दी उठा था लेकिन जैसे मैंने बताया कि टाइम लैप्स ख़राब हो गया, पहले कुछ कैमरे की सेटिंग में मैंने गलत कर दी, फिर वो मैंने ठीक करी तो मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया, मेमोरी कार्ड चेंज किया, जब फाइनली सब कुछ सही जा रहा तो कुत्तों ने मेरे पे अटैक कर दिया 5-7 और मेरा पूरा सेटअप नीचे गिर गया और मैं पूरा नहीं कर पाया। बट फाइनली अब टाइम है घर जाने का, लंबी ड्राइव है, काफ़ी टायर्ड भी हूँ, तो आज भाई थोड़ी सी ड्राइव करेगा 6 महीने बाद, सो लेट्स सी कि ये अच्छे से कर ही ले बस। सो अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे जो काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि हम काफ़ी दूर जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो हम तभी देखेंगे। टिल नाउ सी या एंड बाय।